हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। नया लेसन है, लेसन नंबर है फिफ्थ, है ना। लेसन नंबर फिफ्थ है महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का। इसमें कैसा बेसिक कोई खास इंट्रोडक्शन लेक्चर की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी जर्नल एंट्रीज रहेंगे, जो भी कैलकुलेशन रहेंगे, जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उसी से रिलेटेड ही रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सडन किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसी डेट पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कैलकुलेशंस रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड करके बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा डेट का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा जिस डेट पे पार्टनर की डेथ हुई रहेगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ विशाल सागर एंड अमर हु वेयर इक्वल पार्टनर। तो अभी यहाँ पे क्या है, इनका शेयरिंग इक्वली है, क्या है, इक्वल है। तो एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो 1:1:1, सबका क्या है, इक्वली है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया हुआ बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 का, लाइबिलिटी क्रेडिटर, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक। अभी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कंडीशन, क्या दिया हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2012 अमर डाय एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर मेड, एडजस्टमेंट मेड। और यहाँ पे क्या हुआ, 1 अक्टूबर को ही क्या हो गया है, अमर की डेथ हो गई है। तो अभी हम लोग को कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और अमर को प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज appreciated by 3,600, however only Amar's share in the appreciated value was raised in books, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3,500 क्या हुआ, goodwill appreciate हुआ है और सिर्फ जो Amar का share रहेगा वही क्या होगा, raise होगा और उसको जो book value दिया उसको ही raise करेंगे। तो मतलब क्या आ जाएगा, जितना amount Amar का रहेगा उसको दे देंगे और बाकी का amount हम लोग रेस कर लेंगे। तो रेस करेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है आरडीडी वाज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, स्टॉक इज वैल्यूएड एट ₹10,000, मशीनरी ₹14,900, अमर वाज टू बी गिवन हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ ऑन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 12,000। अभी यहाँ पे हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो दिया हुआ है हमें प्रीवियस ईयर का 12,000, उसके बेस पे, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू अमर वॉज ट्रांसफर टू हर हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और जो उसका अमाउंट रहेगा उसको किसमें ट्रांसफर कर देना, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। हमें प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ विशाल एंड सागर, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, सिर्फ विशाल एंड सागर का पार्टनर अकाउंट और सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग एक्स्ट्रा बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट सिंपल सेम वही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा काम था वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, पहले बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे उसके बाद एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हुए जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 12,000 और उसके बाद दिया हुआ 8,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद दिया है क्रेडिटर 6,000, तो क्रेडिटर कहां पर आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में उसके बाद क्या आ जाएगा, रिजर्व फंड 9,000। अभी रिजर्व फंड क्या है, प्रीवियस ईयर का जो जिसे मतलब जो बिजनेस चल रहा था उसमें हम लोग ने रिजर्व करके रखा हुआ था, ठीक है। रिजर्व फंड क्या था, हमने रिजर्व करके रखा हुआ था, लेकिन अभी सडन पार्टनर की डेथ हो गई तो रिजर्व फंड में से भी उसको देना पड़ेगा जो उसका शेयर रहेगा, लेकिन वो क्या है, एक तरह से लायबिलिटी है ना, क्योंकि
जिसे रीपेमेंट करना है सभी को, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको दे रहे हैं ना, तो हम लोग उसको दे देंगे। कितना है? 9000, तो लिख लो यहां पे। रिजर्व फंड 9000, उसको इनर कॉलम में ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी जो अमाउंट है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अमाउंट कितना है? 6000, और इक्वली है तो 2000 आ जाएगा सभी के पास। ठीक है, ये हो गया हम लोग काम, बैलेंस शीट का पोस्टिंग। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है यहां पर? अगर आप चाहो तो रिजर्व फंड को हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम लोग इस तरह से भी एक बार सॉल्व करके देख लेते, आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? अब हम लोग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, असेट्स में गुडविल 6000, गुडविल आ जाएगा यहां पर। अमाउंट है 6000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मशीनरी 16000। अभी देखो एडजस्टमेंट था ना मशीनरी के ऊपर, स्टॉक एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मशीनरी 16000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टॉक, स्टॉक कितना है? 11000, तो उसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? डेटर कितना है? 9000, तो डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ हमें? बैंक 8000, बैंक में हमारे पास 8000 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे क्योंकि यहां पे लोन अकाउंट बनाना है ना हमें। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमें? एडजस्टमेंट 1 अक्टूबर को हो रहा है, तो जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना उसका, तब आपको ध्यान में रखना है कि उस डेट का यूज करना, उसके पहले हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए चले जाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज एप्रिशिएटेड बाय 3600, हाउएवर ओनली अमर शेयर इज एप्रिशिएटेड वैल्यू वॉज रेज इन द बुक। हमें क्या करना है यहां पे? जो गुडविल है वो कितना, गुडविल कितना रेज हो रहा है? 3600, ठीक है, और उसमें क्या करना है हमें? सिर्फ अमर शेयर, अमर का शेयर क्या करना है? जितना अमर का शेयर रहेगा उसको अमर का शेयर दे देंगे उसको, और उसके साथ साथ में उतना ही अमाउंट क्या आ जाएगा? रेस कर देंगे फॉर्म में, किसमें? रेस कर देंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, गुडविल में। ठीक है, आ जाएगा 1/3, इसको डिवाइड कर कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200, तो मतलब कितना आ गया? 1200 गुडविल हो जाएगा। तो अभी ओल्ड पार्ट जो डेथ हो रही है पार्टनर की हो चुकी है उसको हम लोग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? बाय गुडविल अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा? 1200। अब क्वेश्चन में एक और लाइन बोला हुआ था ना कि उसी अमाउंट को क्या कर रहे हैं, वही जो अमाउंट एप्रिशिएट हो रहा है उसी को, एप्रिशिएट हो रहा है उसी को बुक वैल्यू में रेस कर रहे हैं, तो अगर बुक वैल्यू में रेस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? गुडविल में ऐड हो जाएगा, उतना ही अमाउंट क्या आ जाएगा? वो ऐड हो जाएगा, ऐड। अभी यहां पे क्या हो रहा है? एप्रिशिएट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? एप्रिशिएटेड वैल्यू या फिर एप्रिशिएट।
कितना है? 1200, तो क्या आ जाएगा 7200। आगे समझ में गुडविल का। अब उसके बाद क्या दिया नेक्स्ट, आरडीडी वॉज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। आरडीडी क्या करना है 5% मेंटेन करना है, ठीक है। तो आरडीडी कैलकुलेट कर लेंगे 9000 × 5% कितना आ जाएगा, लेस आरडीडी कितना आ जाएगा 450, माइनस कर देंगे इसको, हमारा डेटर क्या आ गया डिक्रीज हो गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में आरडीडी अकाउंट 450, ठीक है। अब उसके बाद स्टॉक इज वैल्यूएड एट 10,000, अभी स्टॉक कितना हो गया है 10,000, मतलब क्या हो गया रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन कितना हो गया हमारा ये 10,000 हो गया है, ठीक है। तो कितने से रिड्यूस हो गया है 1000 से, तो ये 1000 क्या हो गया स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया है ना, तो हम लोग लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में स्टॉक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है मशीनरी 14,900, तो मशीनरी कहां पर है यहां पर, यहां पे क्या हो गया 14,900 हो गया ना, तो 16,000 में से 14,900 माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा 1,100, ये क्या हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, क्योंकि 16,000 वैल्यू थी और अभी कितनी हो गई है 14,900, मतलब क्या हो गया हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो कहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में मशीनरी अकाउंट 1,100, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है हमें, अमर वॉज टू बी गिवन हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 12,000। तो जो हम लोग अमर को प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, वो कैसा है जो प्रीवियस ईयर का हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट था ना 12,000, उसी के बेस पे हम लोग उसको यहाँ पर प्रॉफिट दे देंगे, क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट तो हुआ नहीं है, है कि नहीं। तो अगर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरा बिजनेस अभी कंप्लीट नहीं है, हम लोग ने अकाउंट क्लोज नहीं किया, तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि जितना प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हुआ था उसी के बेस में हम लोग जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसी को हम लोग उतना प्रॉफिट उसके बेस पर दे देंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे क्या निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कैसे, तो अभी हम लोग अज्यूम प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 12,000 है, ठीक है। अभी अमर को कितना मिलेगा, तो अमर कभी अमर की डेथ कभी हुई है 1st अक्टूबर, तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर काउंट करोगे तो 1st 4 2011 से लेके 1st अक्टूबर को डेथ हुई है ना 2012 में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 12 में ही डेट हो गई है, 13 में गया ही नहीं है, ठीक है। यहां पे सर डेट रॉन्ग दे दिया है, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे 1st अक्टूबर है तो कितना 6 मंथ्स का यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, तो अमर्स अमर का शेयर कितना आ जाएगा, तो 12,000 इंटू कितना, तो अभी 6 मंथ्स के लिए ना, तो 6 × 12 और 1/3, तो कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। अभी 12 × 2 / 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा उसका प्रॉफिट, 2000, कितना आ जाएगा 2000, बहुत ही सिंपल है। ये क्या हो गया, उसका शेयर का प्रॉफिट हो गया। अभी ये प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे, उसको भी दे ही देंगे, तो यहां पर आ जाएगा, जब उसको मिलेगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट जो है सिर्फ उसी के कॉलम में जाएगा, क्योंकि डेथ उसी की हुई है तो सिर्फ उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। और एक इफेक्ट कहां पर चले जाएगा, हमारा असेट साइड में, टू थाउजेंड। समझ में आया हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, 1 अक्टूबर पे उसकी डेथ हो गई है तो मतलब कितना, 6 मंथ्स का उसको हम लोग प्रॉफिट देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे दिया है ना उसको हमें 31 मार्च है ना, तो 1 अप्रैल 2012, तो अप्रैल में है ना, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो डेथ ही हो गई है, तो मतलब 6 मंथ्स का क्या करेंगे हम लोग, उसको प्रॉफिट उसका डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। आया समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेन यही क्वेश्चन है इसका, कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 12,000 था 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12 × जो रेशियो था उसका 1/3, सिंपल है। अब हमारा रह गया है एक लास्ट एडजस्टमेंट, ये तो फिफ्थ दिया है, अमाउंट ड्यू टू वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, रिजर्व फंड भी तो देना है डिस्ट्रीब्यूट करके, लेस अमर शेयर्स, तो अमर का शेयर कितना आ जाएगा, 3000, क्योंकि इक्वली है यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन उनका, और इसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी यहां से इसको माइनस कर दिया, ओल्ड पार्टनर को दे देंगे, तो क्या दे देंगे, बाय रिजर्व फंड, अमाउंट 2000। ये हो गया हम लोग का पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करते हुए चले जाएंगे, एक बार चेक कर लेंगे कोई भी एडजस्टमेंट छोटा है क्या, ये बहुत जरूरी है और ध्यान भी रखना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई भी एडजस्टमेंट छोटा रहेगा तो मिस्टेक होने के चांस है, और एक जगह मिस्टेक होगा तो आपका हर जगह से पूरा आंसर रॉन्ग होते जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग क्लोज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 450 + 1000 + 1100, तो कितना आ जाएगा, 2550। सेम यही अमाउंट यहां पर भी आ जाएगा, 2550, और ये क्या आ जाएगा, तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 850 सबको मिलेगा, बाय सबका नाम लिख लो, विशाल्स कैपिटल अकाउंट बाय सागर्स कैपिटल अकाउंट बाय अमर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको 850। अभी यहां पे क्रेडिट में है तो जब दूसरे लेजर अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो कहां पर आ जाएगा, डेबिट में। अकाउंट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो पार्टनर है वहां से अकाउंट को क्लोज करते हुए जाएंगे। सिर्फ हमें याद रखना है, लास्ट एडजस्टमेंट दिया ना, अमाउंट ड्यू टू अमर वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो जो अमर का अकाउंट रहेगा उसको क्या करना है, क्लोज करते वक्त उसका जो अमाउंट रहेगा वो एग्जीक्यूटर अमाउंट में लोन में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, क्लोज कर दो, सभी क्रेडिट बैलेंस ऐड कर लेंगे, 8,000, 2,000, 1,200, 2,000 एंड अगेन 2,000, तो टोटल कितना आ गया, 15,200। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 16,200 हो जाएगा क्योंकि यहां पे जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था उसका, 3,000। ठीक है, यही अमाउंट यहां पर भी आ जाएगा, और 16,200 में से क्या करेंगे, 850 माइनस कर देंगे तो उसका लोन अमाउंट कितना आ जाएगा, 15,350। इसको लिख लेंगे हम लोग यहां पर, टू क्या बोला था उसने, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में उसका बैलेंसिंग अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर दिए। अब सागर को भी क्लोज कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस ही ग्रेटर है तो ऐड कर लो, 9,000 एंड 2,000 कितना आ गया, 11,000। सेम यही बैलेंस यहां पर भी आ जाएगा, और 11,000 में से 850 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,150। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और इसी तरह यहां पे इसको भी क्लोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14,000। इसको भी सेम क्लोज कर देंगे, और 14,000 में से 850 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13,150। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहला कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल्स अकाउंट किसका, विशाल का, और दूसरा है सागर का। तो विशाल का कितना आ जाएगा, 13,150, और विशाल का 10,150। ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे, 0,0,3,3,2 कितना आ जाएगा, 23,300। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, 0,0,3,3,2 23,300। उसके बाद लोन अकाउंट है, तो लोन क्या है, लायबिलिटी, मतलब यहाँ पे डेबिट में तो एक तरह से वो क्रेडिट रहता, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट किसका, तो अमर का है ना, तो ब्रैकेट में अमर लिख सकते हो। अमाउंट कितना है, 15,350। लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। लाइबिलिटी का लाइबिलिटी साइड ऐड कर देंगे, और असेट्स का असेट साइड। और अगर आंसर सेम आ गया दोनों का, तो समझ लो आपका आंसर पूरा का पूरा करेक्ट है। 23,300 प्लस 15,350 प्लस 6,000 प्लस 6,000 कितना आ जाएगा, 50,650। उसी तरह हम लोग असेट्स का भी ऐड कर लेंगे, 7,200 14,900
10,000, 8,550, अगेन 8,000 एंड 2,000, तो कितना आ गया 50,650, कितना आ गया 50,650। यहां पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो गया। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और उसके साथ साथ में जितने लोग भी चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।